आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। आज की इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं शहीद भोलो और मोलो को। उन्होंने पूर्ववर्ती सिरोही राज्य में 1922 के भील गिरासिया आंदोलन में भाग लिया था। ब्रिटिश सेना के साथ लड़ाई के दौरान 12 अप्रैल 1922 को उन्होंने वीर गति प्राप्त की। भोलो और मोलो ने एक के आंदोलन में भाग लिया था, जो सरकारी अधिकारियों द्वारा जनजातीय लोगों के उत्पीड़न का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। इस आंदोलन के माध्यम से अत्यधिक ऊंची राजस्व दर और सिरोही राज्य में जबरन मजदूरी के संबंध में जनजातीय लोगों की शिकायतें दूर करने की मांग की गई थी। रोहेरा के भील और चंदेल, गिरवार तथा सेवा के पड़ोसी गांवों के निवासियों ने राज्य की देनदारियों को चुकाए बिना अपने खेतों से फसल नहीं ले जाने का आदेश का उल्लंघन किया। जनजातीय लोगों की भीड़ एकत्र होने का समाचार सुनकर राज्य की सेना और अंग्रेजों के 200 सैनिक मेजर रिचर्ड्स के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे और भीड़ को तितर बितर होने की चेतावनी दिए बिना ही 12 अप्रैल 1922 को गोलीबारी शुरू कर दी। अंधाधुंध गोलीबारी में भोलो, मोलो और कई अन्य गिरासिया आंदोलनकारी वीर गति को प्राप्त हुए। गोलीबारी के साथ साथ ब्रिटिश सेना ने गांव को लूटा और आग लगा दी। इन महान वीरों को हमारा नमन। हम वीर सारजाह का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उन्हें 1857 में आजीवन कैद की सजा दी गई। 12 अप्रैल 1859 को अंडमान द्वीप समूह में उनका निधन हो गया। भारत माँ के महान सपूत को राष्ट्रवादी इतिहासकार राखाल दास बंदोपाध्याय को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 12 अप्रैल 1885 को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था। उन्हें खुदाई के जरिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदाड़ो की प्राचीनता की खोज के लिए राखाल दास ने कोलकाता में भारतीय संग्रहालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काम किया। वे भारतीय सभ्यता के व्यापक विचार वाले राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन और पुरालेखों के क्षेत्र में राखाल दास का योगदान अप्रतिम है। शिलालेखों और पांडुलिपियों के आधार पर बांग्ला लिपि के विकास का पता लगाने के लिए बांग्ला लिपि के उद्गम के बारे में उनका कार्य अग्रणी था। राखाल दास ने मुद्रा संग्रहण, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के सिक्कों के महत्वपूर्ण विश्लेषण और वैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र में भी काम किया। बंदोपाध्याय को मोहनजोदाड़ो में बौद्ध काल से पूर्व की कलाकृतियों की खुदाई और मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा स्थलों के बीच उल्लेखनीय समानता के लिए भी जाना जाता है। उनकी खोज के कारण दोनों स्थलों की खुदाई की गई। सभ्यता के बारे में उनकी व्याख्या और विश्लेषण अनेक आलेखों और पुस्तकों में प्रकाशित हुए, जिनमें एन इंडियन सिटी 5000 इयर्स एगो, मोहनजोदाड़ो इन बांग्ला और मोहनजोदाड़ो अ फॉरगेटन रिपोर्ट प्रमुख है। उन्होंने कई ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे। राखाल दास ने प्राचीन और आरंभिक मध्यकालीन प्रतिमाओं और असम में प्राचीन इमारतों के पुरावशेषों पर भी कार्य किया तथा तेजपुर के निकट दाह पर्वतिया में मंदिर के खंडहर के दरवाजों चौखटों की काष्ठ कला की खोज की। राखाल दास जीवन के अंत समय तक भारत के ऐतिहासिक आश्चर्यों की खोज करते रहे। 23 मई 1930 को 45 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी को हमारा शत शत नमन। हो सिर मासे निज को यग मासे जहाँ तिन अचेतन
आबोदी सुमला हामा से उनंगे चेतन बंदे हम वीर धर्म छोटा पहाड़िया को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे वर्तमान झारखंड के संथाल परगना के निवासी थे। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 12 अप्रैल 1943 को दुमका जेल में उनका निधन हो गया। मातृभूमि के वीर सपूत को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।